हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट्स गुरुजी। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चर है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इंडिया में, और कंपनी का जो मेन फोकस है ये पेंस पे है। और कंपनी का जो प्रोडक्ट है ये वेरियस ब्रांड नेम के थ्रू सेल होते हैं, जैसे फ्लेयर, हॉसर, पियर कार्डिन, रूडी केलनर और लैंडमार्क के ब्रांड नाम से सेल होते हैं। और इसके अलावा कंपनी के पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है रेनॉल्ड्स जो ब्रांडेड पेंस है उसके। और इसके अलावा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करता है पेंस का, जो ये OEM बेसिस पे वेरियस इंटरनेशनल कंपनियों को, और ये वेरियस कस्टमाइज प्रोडक्ट भी ये सेल करते हैं कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। और कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इसमें अराउंड 128.8 करोड़ पेंस ये मैन्युफैक्चर कर सकते हैं पर एनम। और कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट है इन द इंडस्ट्री। अराउंड 7,250 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और अराउंड 2,50,000 होलसेलर्स और रिटेलर्स के थ्रू कंपनी के पेन सेल होते हैं। अब देखते हैं कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देखिए इंटरनेशनल, ये इंडिया में तो ये बहुत सारे सेल होते हैं, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। उसके अलावा इंटरनेशनली अराउंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो अराउंड 80 कंट्रीज में कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब देखते हैं जो मेजर प्लेयर्स हैं इंडिया में उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितने हैं। जैसे फ्लेयर का अराउंड 7,291 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। उसके अलावा देखिए डॉम्स इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान पेंसिल्स, लिंक पेन, कैमलिन, ये उनके डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर दिए हैं, जैसे 3,500, 2,800 और कैमलिन का अराउंड 1,500 है। यानी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखेंगे तो फ्लेयर का सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और अब देखते हैं कंपनी का जो ऑपरेशनल मैट्रिक्स कैसा है। देखिए इनका वॉल्यूम, इनका फ्लेयर जो इनका मेन पेन है अराउंड 51 करोड़ ये पेन सेल किए थे कंपनी ने पिछले साल। और अगर हम टोटल देखेंगे तो अराउंड 115.9 करोड़ पेन्स कंपनी के सेल हुए थे, और जिसमें से रेवेन्यू देखिए 531 करोड़ का रेवेन्यू था टोटल मिला के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। और कंपनी का जो मेन जो पेन है, जो फ्लैगशिप ब्रांड है फ्लेयर, इसका डोमेस्टिक रियलाइजेशन पर यूनिट अराउंड 4.76 का है और एक्सपोर्ट में अराउंड 3.97 का रियलाइजेशन है पर यूनिट। यानी एक्सपोर्ट में इनको प्राइस कम मिलता है पेन्स का। अब देखते हैं कंपनी का जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और परसेंटेज वाइज कैसा है। जैसे अराउंड 451 करोड़ डोमेस्टिक से आया था, और यानी अराउंड 78.58% ऑपरेशन ये जो रेवेन्यू डोमेस्टिक से आया था, और अराउंड 21.42% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आया था। अब देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ पियर ग्रुप कंपनीज। ये टोटल अभी राइट नाउ दो लिस्टेड प्लेयर है, लिंकपेन और कैमलिन, जिसमें फ्लेयर का आपको जो पी रेशियो है ये हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, और कैमलिन का अराउंड 79 के पी पे ऑपरेट, लिंक पेन अराउंड 79 के पी पे ऑपरेट कर रहा है, और कोई को कैमलिन अराउंड 118 के पी पे ऑपरेट कर रहा है करंटली। आप देखते हैं फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। FY14 में कंपनी का जो रेवेन्यू था अराउंड 270 करोड़, FY15 में 343 करोड़, FY16 में 391 करोड़, FY17 में 426 करोड़ और FY18 में अराउंड 580 करोड़। यानी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट देखिए, FY14 में अराउंड 27.9 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और वो बढ़कर FY18 में अराउंड 49.26 करोड़ का था। और FY18 के हिसाब से इनका जो EPS है ये बैठता है अराउंड 23.11, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अराउंड 35.01% और NAV अराउंड 65.05 का है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए, जहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।